हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। पिछले कई महीनों से हम ये चौथा अध्याय, इसमें भगवान ने जो दिव्य ज्ञान की व्याख्या की है और विशेष रूप से ये जो श्लोक हम कई सत्रों से ले रहे हैं, कई महीने हो चुके हैं, आज फिर से हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं। भाग 9 इसका, यदि आप लोगों को याद है तो भाग 8 था पिछला हमारा, 8 भाग हो चुके हैं इसके। ये श्लोक अपने आप में एक परिपूर्ण श्लोक है, वैसे तो भगवद गीता के सारे श्लोक अपने आप में परिपूर्ण हैं, परंतु विशेष रूप से ये एक श्लोक जिसके अंदर भगवान ने एक पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति कि क्या परिभाषा होती है, उसके लक्षण क्या है और वो पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के परिणाम क्या है। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्विषम। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्विषम। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्विषम। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्विषम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो जैसे हमने कहा, ये अपने आप में एक परिपूर्ण श्लोक है जहां एक पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति, उसके लक्षण क्या है, कौन है वो, और ऐसे पूर्ण ज्ञान में स्थित जब वो कर्म करता है तो कैसे इस पाप रूपी संसार में रहते हुए उसके बावजूद वो अलिप्त रहता है। तो हमने हमारे चर्चा के विषय कुछ इस प्रकार से लिए थे, इनमें से मेरे ख्याल से यत चित्तात्मा इस शब्द की व्याख्या हमने प्रारंभ की थी। तो पिछले श्लोक से संबंध, फिर ये सारे जो मुख्य शब्द हैं इस श्लोक के, जिनके ऊपर भगवान गौर कर रहे हैं और हमारे जो टीकाकार हैं वैष्णव टीकाकार भगवद गीता के, इस श्लोक के ऊपर इन शब्दों पर उनकी व्याख्या क्या है। तो पिछले श्लोक में पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म नियम के परे रहता है, तो अर्जुन का ये संदेह कि यदि भगवान आप मुझे पूर्ण ज्ञान में स्थित रहने के लिए बोल रहे हो तो फिर एक व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के बावजूद ऐसे भयावह पाप रूपी कर्म में कैसे लग सकता है। और अर्जुन अब तक ये मान रहे हैं कि अपने सगे संबंधियों को मारना इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता, अर्जुन अब तक ये मान रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन के मन का ये जो संदेह है इसे भांप लिया। और फिर आया है ये 21वां श्लोक। तो निराशी
इस शब्द से यह श्लोक प्रारंभ हुआ है। तो बलदेव विद्याभूषण उन्होंने अपनी टीका में इस निराशी शब्द के चार अर्थ बताए हैं। सबसे पहला अर्थ निराशी का, जैसे कि इसमें शब्द है आशा, तो सारे आशाओं से जो मुक्त है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति पत्थर समान हो गया है। जैसे कि यदि किसी के मन में कोई आशा ही नहीं है तो ज्यादातर ऐसे व्यक्ति को इस भौतिक संसार में डिप्रेशन का केस मानते हैं, आशाहीन। इंग्लिश में उसको कहेंगे होपलेस। तो यहां पर निराशी का अर्थ वो नहीं है कि जो होपलेस है, कोई उसका कोई होप नहीं है संसार में, इसका अर्थ वो नहीं है। जैसे कि सुदामा, अब सुदामा इस कैटेगरी में भी आते हैं निराशी। ये जो पहला अर्थ बताया गया है, इस अर्थ को यदि लें और सुदामा और भगवान श्री कृष्ण से उनका जो आदान प्रदान हुआ और उनका जो व्यक्तिमत्व, उसको यदि हम लें तो वो निकले थे द्वारका के लिए। और एक दृष्टिकोण से देखा जाए, यदि लीला को हम फॉलो करें तो सुदामा गए थे कुछ आशा से, है कि नहीं? आशा क्या थी कि उनकी पत्नी ने कहा था कि भाई हम इतनी निर्धनता में जी रहे हैं कि एक प्रकार से हम कब खत्म हो जाएंगे, हमारा शरीर निर्वाह ही नहीं चल रहा। और वो अपने पति के विषय में चिंता कर रही थी, इसलिए भेजा कि मैं एक पत्नी हूं, एक गृहिणी हूं, तो मुझे कुछ तो चाहिए इस ग्रह को चलाने के लिए, कुछ तो धन संपत्ति चाहिए इस ग्रह को चलाने के लिए, तो मेरे लिए आप जाइए। तो सुदामा ठीक है, इनके लिए। अब वो चाहती थी कि इन्हें भी मिलेगा फिर कुछ। तो दोनों यदि देखा जाए तो इस आशा में सुदामा गए, परंतु वहां पहुंचने के बाद भगवान का दर्शन हो गया, उपहार भगवान ने खुद छीन लिया जो लेकर गए थे। और यहां तक हमारे आचार्य कहते हैं कि उस समय भगवान ने कहीं कोई संकेत सुदामा को नहीं दिया कि तुम्हारी जो झोपड़ी है उसको मैंने रेनोवेट कर दिया है, तुम्हारे पीछे बंगले में परिणित कर दिया है, कोई संकेत नहीं दिया। यहां तक कि एक वर्जन सुदामा लीला का यह है कि जो पादत्रण सुदामा लेकर गए थे वो भी भगवान ने कहीं तो उसको छिपा लिया। और नंगे पैर सुदामा गए भगवान, इसलिए किए ताकि सुदामा जैसे शुद्ध निराशी भक्त के चरण चिन्ह जहां जहां वो जाए उसे तीर्थ बनाते हुए वो जाए। और रास्ते में सुदामा वो बिल्कुल रंज नहीं कर रहे हैं कि अरे मैं जिसके लिए गया था वो पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ, न तो उनकी तरफ से कुछ मिला, न मैं कुछ मांग पाया, जो था वो भी ले लिया, कोई रंज नहीं था। उल्टा सुदामा रास्ते में इतना प्रसन्न थे कि इतने वर्षों बाद मेरे सहपाठी को मैं मिला, मेरे मित्र को मैं मिला, और क्या ऐश्वर्य, ऐसे गर्वित हो रहे थे द्वारकाधीश कृष्ण के विषय में सोचते हो। तो आशा उस प्रकार की उनके अंदर नहीं थी, यदि होती तो सुदामा रंज करते, वो पूरी मीटिंग के बाद सुदामा रंज करते कि मैं क्यों गया, मैं क्यों समय बर्बाद किया, अपना कुछ नहीं हासिल हुआ, द विजिट वॉज फ्रूटलेस, ऐसा बिल्कुल भी सोचे नहीं हो। तो यहां पर भगवान निराशी शब्द का ये अर्थ बता रहे हैं। दूसरा अर्थ विद्याभूषण कहते हैं कि किसी अन्य लक्ष्य से अप्रभावित, एक ही लक्ष्य, जैसे अर्जुन
अर्जुन फेमस एक दृष्टिकोण से किसके लिए हैं, जिनका लक्ष्य ये प्रथम अध्याय गीता से पहले, अर्जुन का लक्ष्य प्रथम अध्याय में थोड़ा वो भ्रमित हो गए थे कि क्या लक्ष्य है, मैं यहां पर क्यों आया हूं। परंतु उससे पहले अर्जुन का लक्ष्य बहुत सीधा और एकदम स्ट्रेट और क्लियर था कि मुझे जो करना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को चुना उन्होंने, नारायणी सेना के बदले भगवान श्री कृष्ण को चुना, बेझिझक, कोई दो राय अर्जुन के मन में नहीं थी, तो इसे कहते हैं निराशी। फिर यहां पर यह बहुत इंटरेस्टिंग अर्थ दिया है, हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारी इंद्रियों की तुलना सर्प से की गई, और विशेष रूप से जो उसके दांत होते हैं, फैंग्स जिसको बोलते हैं, विषदंत। तो अब सर्प जो है वो खतरनाक कहां से है, उसके पास कोई हाथ पैर तो नहीं है हमें थप्पड़ इत्यादि लात घूसा मारने के लिए। सबसे खतरनाक यदि सर्प का कोई भाग है तो वो है उसके दांत, जिसके अंदर जहर वो सब स्टोर रहता है, फैंग्स जिसको बोलते हैं। अब उसमें से यदि विष निकाल दिया जाए तो दिखने में वो कितना भी वो सर्प जो है वो आवाज करे, परंतु कोई उसे डरने नहीं वाला। तो ये उदाहरण दिया गया है कि जो निराशी भक्त है उसकी जो इंद्रियां हैं वो दिखती हैं इंद्रियां, जैसे कि सर्प के जो दंत हैं विषदंत दिखते हैं, परंतु विष उसमें से निकाल लिया जाए तो वो खाली दिखाने के दांत हैं, खाली वो दिखाने के दांत हैं, किसी काम के नहीं है। तो उसी प्रकार से एक जो निराशी भक्त है उसकी इंद्रियां उसके समान हैं कि उसकी इंद्रियां कोई जहर नहीं उगलती। कौन सा जहर? भौतिक इच्छा, इंद्रिय भोग का जहर नहीं उगलती उसकी इंद्रिय, इसलिए वो निराशी। जैसे शिला हरिदास ठाकुर, विषय वस्तु सामने है परंतु फिर भी शिला हरिदास ठाकुर, उनकी इंद्रियां ऐसे विषहीन विषदंत सर्प के समान। और चौथा अर्थ, किसी भी प्रकार के भौतिक आशीर्वाद से मुक्त ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज पूरी आशा से तपस्या के लिए गए, की भी उन्होंने तपस्या और ऐसी तपस्या की भगवान को प्रकट करवा दिया, सारे देवी देवता भगवान के पास गए और बोले कि जाकर आप ही संभाल सकते हैं, पूरी सृष्टि में हड़कंप मचा दिया है इस पांच वर्षीय ध्रुव ने। तो गए भगवान संभालने के लिए, और जब भगवान का दर्शन किया तो आशीर्वाद क्या मांगा ध्रुव महाराज ने। ध्रुव महाराज ने जो सोच के गए थे, यदि हम देखें पहला अर्थ, तो ध्रुव महाराज एक प्रकार की भौतिक आशा से गए तपस्या करने के लिए। भगवान का दर्शन करने के पश्चात आशीर्वाद क्या मांगा? शुद्ध भक्ति और भगवान के शुद्ध भक्तों का संग, बस यही आशीर्वाद उनसे मांगा। तो मानो कि नारद मुनि जो उनको मंत्र दिए थे और उनको भेजे थे, या और कोई जो ध्रुव महाराज के निकट, वो अगर ध्रुव महाराज को पहले जो जानते थे पूछे कि भाई अरे क्या किया तुमने, सामने तुम्हारे इतना बड़ा प्रपोजल और उस प्रपोजल को तुम ठुकरा दिए, और उसको तुम कहते हो कि क्या है, काचन विचिन्वन, कांच के टुकड़े में मांग रहा था, कांच भी नहीं, पूरा कांच भी काम आता है, पूरा कांच भी यदि हो तो वो भी किसी के काम आता है, परंतु कांच के टुकड़े केवल घाव पैदा करते हैं। तो वो जो एग्जाम्पल ध्रुव महाराज ने दिया है कि मैं कांच के टुकड़े मांगने के लिए आया, और बदले में मुझे आप की जो कृपा प्राप्त हुई है, शुद्ध प्रेम प्रेमा भक्ति मेरे हृदय में जो आपने जागृत कर दी, वो उस बहुमूल्य रत्न के समान। तो श्रील प्रभुपाद के भी पास टाइम्स हैं कि कई ऐसे भारतीय जो प्रभुपाद के पास आए थे
कई ऐसे ट्रेन में प्रभुपाद को मिले, आशीर्वाद दीजिए हमारे परिवार को समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए उसके लिए। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को दिखाया जो बैठे हुए थे, वो भी अमरीकी शिष्यों को दिखाया, यही है मेरे आशीर्वाद। ये बैठे हुए हैं, ये जो सर मुंडवाए हुए सैफ्रन में बैठे हैं, ये है मेरा आशीर्वाद। स्वामी जी हम चलते हैं, आपको आपका आशीर्वाद मुबारक हो, क्योंकि उनके लिए श्रील प्रभुपाद का वो आशीर्वाद अभिशाप वो समझ रहे थे। तो निराशी, देखो एक शब्द भगवान ने यहां पर कहा निराशी, तो यदि हमें इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना है, पहले शब्द को यदि जीवन में उतारना है, निराशी होना है, तो हमारे टीकाकार बता रहे हैं कि ये सारे जो अर्थ हैं उनको हमारे जीवन में उतारना होगा। तो इससे जब इसे कोई सिद्ध कर लेता है तब जाकर यतचित्तात्मा बनता है वो, जिसकी हमने भूरी भूरी व्याख्या की, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने चित्त को जीत लिया है। और उदाहरण हमारे टीकाकार देते हैं कि जैसे कोई लॉ है, कोई ज्योत है जो कि स्थिर है। अब देखिए कि ज्योत जलती हुई वो प्रकाश फैला रही है, परंतु ये कोई जरूरी नहीं कि वो स्थिर रहेगी। और जब भी आपने किसी ज्योत को हिलते हुए डगमगाते हुए देखा है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं द डांसिंग फ्लेम्स ऑफ फायर। अब सुनने में अच्छा लगता है कि वो जो हिलडुल रही है वो ज्योत, वो नाचते हुए दिख रही है, तो कोई कहेगा भाई अच्छा है ना, अटेंशन में खड़े रहने से अच्छा कोई नाच रहा है तो ज्यादा अच्छी बात है। परंतु ये उदाहरण दिया गया है, भगवान ने भी उदाहरण दिया है कि जब किसी का मन अस्थिर रहता है तो वो ज्योत प्रकाश तो फैला रही है, परंतु उसका कोई ठिकाना नहीं कि कब तक वो जलती रहेगी, अर्थात वो प्रभावित हो रही है हवा से, और वो हवा यदि ज्यादा हो जाए तो वो ज्योत बुझ भी सकती है। तो श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है और क्रोध के साथ जब वो अपनी वाणी को बोलना शुरू करता, अपनी वाणी का इस्तेमाल करना शुरू करता है, तो वो उदाहरण दिया गया है कि जैसे कोई अग्नि जल रही है और उस पर कोई हवा, हवा का प्रभाव हो, जैसे कि दावाग्नि, जंगल में जो दावाग्नि है, तो दावाग्नि फैलती कैसे है जंगल की, कहीं घर्षण हुआ दो टहनियों के बीच में और चिंगारी, चिंगारी से थोड़ी सी ज्योत लौ पैदा हुई और हवा के वजह से फिर वो पूरे पेड़ को पकड़ ली, उसके बाद दूसरे पेड़ को, झाड़ियों को, ऐसे करके आप देखोगे कि कई बार जंगल के जंगल उस दावाग्नि में जल के भस्म हो जाते हैं। तो अग्नि थी, लेकिन अग्नि का संबंध जब हवा से हुआ, तो उसी प्रकार से यह उदाहरण दिया गया है। अब इसका दूसरा उदाहरण है कि जब हमारी ज्योत, यदि भक्ति की ज्योत, वो एक मोमबत्ती के समान है छोटी सी, और हवा जो कि इस भौतिक संसार के जो अलग अलग प्रकार के प्रलोभन हैं वो यदि बहने लगे तो फिर वो तो हमारी तो बुझ जाएगी, परंतु शुद्ध भक्त उनकी जो भक्ति है वो एक दावाग्नि के समान है, और जब इस भौतिक संसार की तकलीफें आती हैं हवा के रूप में तो वो और ज्यादा उभर कर, प्रज्वलित होकर उनकी भक्ति दिखती है, जैसे पांडव इत्यादि, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि। जैसे हाल ही में हम एक सेमिनार की तैयारी कर रहे थे, कॉर्पोरेट सेमिनार की, तो उसमें हमने
ये एक रिसर्च पढ़ा, रिसर्च पेपर, जिसके अंदर आजकल जो ये अस्थिरता है हम सब के अंदर, तो उसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया। और एक्सपेरिमेंट ये था, स्पेशली अमेरिका में पूछा गया कि एक जो रोजमर्रा का लाइफस्टाइल है किसी का वहां पर, तो उसमें एक बंदा दिन भर उसके फूड चॉइसेस कितने होते, इसके ऊपर सर्वे निकाला गया। तो 90% लोगों ने कहा 8 से 9। यदि पूछा जाए, हम लोगों को पूछा जाए कि हमारे दिन के फूड चॉइसेस कितने होते, हम भी कितना, और डिपेंड करता है कि भाई दिन कौन सा है। अब जैसे बुधवार का दिन है तो यहां पर कोई कितने भी चॉइस कर लो, जो मेनू बना है वही मिलने वाला है आपको। तो ऑन एन एवरेज ये पूछा गया कि फूड चॉइसेस, तो 90% लोगों ने कहा 8 to 9। और फिर उन्होंने जो साइकोलॉजिस्ट है, उनका साइकोलॉजिकल स्टडी रिसर्च के अनुसार उन्होंने बताया कि ऑन एन एवरेज अमेरिकन हैज एवरी डे 216 फूड चॉइसेस। ये बात अलग है कि वो उसको लिखता और बोलता इतना नहीं होगा, परंतु मन में जो वो सोचता रहता है दिन भर, उसका एवरेज उन्होंने निकाला। तो ये सब क्या है, ये सब है कि जोत तो जल रही है लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है। तो इसलिए जब यतचित्तात्मा इस शब्द की व्याख्या की जा रही है, तो शम और दम, भगवद गीता में ये दो शब्द इस्तेमाल किए हैं भगवान ने। तो शम का अर्थ होता है पीस ऑफ माइंड, दम का अर्थ होता है कंट्रोल ऑफ सेंसेस। ये दोनों जरूरी है। कई बार आप देखोगे कि कई पीस ऑफ माइंड प्राप्त करना चाहते हैं थ्रू अनकंट्रोल्ड सेंसेस। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए। दे वॉन्ट अ पीसफुल लस्टी सोसाइटी, दे वॉन्ट अ पीसफुल ग्रीडी सोसाइटी। हमारा ग्रीड, हमारा लस्ट, हमारा एंगर, वहां पर आप दखलअंदाजी मत कीजिए, लेकिन हमें विश्व शांति दिलाइए। That is not possible. इसलिए रामायण में जब ये जो वर्णन है युद्ध खंड में, भगवान रावण के एक एक सर को जब उसके धड़ से अलग कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, शम दम शम दम शम दम, एक एक सर नीचे जब गिर रहा था फिर से दूसरा आ जाता, फिर से आ जाता, जैसे एक सर को नीचे गिराया नया पैदा हो जाता था। तब फिर उन्होंने वो हृदय में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो वो है कृष्ण प्रेम या श्री राम प्रेम फाइनली। तो शम दम ये भी पर्याप्त नहीं है यतचित्तात्मा के लिए, क्योंकि उसकी हम चर्चा करेंगे कि उसके ऊपर कहां जाना है हमें। भगवान कह रहे यतचित्तात्मा के ऊपर है मत चित्त मत गत प्राण बोधयंतस परस्परम, कि जो मेरे चित्त में लगा हुआ है या जो जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है। तो मन नियंत्रण के जो चार प्रकार हैं, साम दाम दंड भेद, ये जो साम दाम दंड भेद क्या है, जैसे ये तो हमने अक्सर सुना होगा कि किसी को भी आपको मनाना है मनवाना है तो बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद के द्वारा, कि आप उसको रिझाइए कुछ दान दीजिए। उसी प्रकार से मन जो है, मन को आपको हर समय जैसे कि घोड़े को कैसे लगाम से नियंत्रण में किया जाता है, कभी खींचना होता है कभी छोड़ना होता है।
अब ये देखिए, मन जो है इसमें कभी कभी आपको उसको दंडित करना होगा, क्योंकि हर बार वो जो कह रहा है, बहुत बार वो जो कह रहा है उसको देना भी पड़ता है। जैसे कि जब कोई निर्जला उपवास कर रहा है, उसके वजह से बहुत तकलीफ हो रही है और मन बार 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 केवल पानी 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 उसी के बारे में सोच रहा है, तो हमारा भक्ति का सिद्धांत क्या कहता है? भक्ति का सिद्धांत कहता है कि भाई उसका जो पर्पज है, पर्पज क्या है कि तुम भगवान पर अपना मन लगाओ, चिंतन उनका करो, पानी का नहीं। तो समय यदि मन वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है तो दे दो उसको और उसको शांत करो, तो साम दाम। तो ऐसा नहीं कि फिर वो जो भी मांगेगा तो मन क्या, आज मैंने पानी मांगा तो पानी दे दिया, अब थोड़ा लाल पानी भी चाहिए। नहीं, तो कब ये साम दाम इस्तेमाल करना है, कब दंड इस्तेमाल करना है, और भेद। अब देखिए, मन ये कैसे हमारे अंदर भेद पैदा करता है, डिवाइड एंड रूल। हम लोग हमारे एक माइंड कंट्रोल सेमिनार में ये उदाहरण दे रहे थे कि मन वो किस प्रकार से हमें धोखा देता है, और हम सब ने उसकी ऐसी धोखाधड़ी इसका अनुभव किया। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो आपको प्रेरित करता है, उकसाता है एक बैंक लूटने में, पूरा प्लान बताता है, आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है बैंक लूटने में, कहता है कि ये पूरा फुल प्रूफ प्लान है, 10 करोड़ रातों रात तुम्हारे हो जाएंगे, पकड़े भी नहीं जाओगे, करोड़पति रातों रात मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, दोनों मिलकर मैं लीड करूंगा इस पूरे बैंक रॉबरी को। आप कन्विंस हो जाते हैं, आपको वो कन्विंस करता है, हुआ बैंक रॉबरी हो गया, आपको मिले सब कुछ, 10 करोड़ भी आपको मिल गए, और उसके बाद आप पकड़े गए, कहीं तो कुछ था जो उसने बताया नहीं था, जो बाद में वो पुलिस को पता चला, और एक सुराग जिसको कहते हैं वो उनको मिला, किसका, हमारा, उसका नहीं, जिसने प्रेरित किया था उसका कोई एविडेंस कहीं नहीं मिला, उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं, हमारे मिले, और हम पकड़े गए, कोर्ट में ले जाया गया, कटघरे में खड़े हैं, और पैरवी शुरू हुई। जैसे ही हमने गर्दन घुमा के देखा, जज कौन है, यही यही बंदा है जिसने एक हफ्ते पहले आपको कन्विंस किया वो बैंक लूटने के लिए, और उसके बाद अब ये जज बन के बैठा हुआ है। कैसा लगेगा आपको, तेरी, तू मुझे प्रेरित किया और अब तुम जज बैठ वहां पे हो, सेंटेंस कर रहा है कि इसे 10 साल की सजा होनी चाहिए, और वो भी कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए। कैसा लगेगा आपको, ये है मन हमारा, आवर माइंड बिकम्स द कॉन्स्पिरेटर एंड साइमल्टेनियसली बिकम्स द जज। क्या कर रहा है वो, भेद। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, तो हमें कैसे इससे डील करना चाहिए, हमें भी भेद कैसे उत्पन्न करना चाहिए, जो मन है वो कभी अपने आप, उसके अंदर क्षमता नहीं अपने आप को भौतिक स्तर पर अपने आप को संतुष्ट रखने की, मन को इंद्रियां चाहिए, तब जाकर मन उस इंद्रियों के द्वारा वो अपने आप को संतुष्ट कराता है। जैसे कि कुछ अच्छा देखना है आपको,
सिनेमा देखना है। अब होता क्या है कि आंखें सिनेमा देख रही हैं, लेकिन क्या कहा जाता है, रंजन किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, मनोरंजन बोलते हैं ना, वो सिनेमा देख रहा है तो मनोरंजन, मन का रंजन हो रहा है। तो मन क्या कर रहा है कि उसको यदि रंजित होना है तो कभी आंखों को, आंखों के सहारे वो रंजित होता है, कभी वो इस त्वचा के सहारे रंजित होता है, कभी कर्णों के सहारे रंजित होता है, कभी जीवा के सहारे रंजित होता है। तो इस प्रकार से मन को, तो भेद कैसे उत्पन्न किया जाए कि ये मन को इंद्रियों से अलग कर देना, कि इंद्रियां जो हैं, जैसे ये जो भगवान ने आगे कहा है, शारीरम केवलम कर्म, बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन, इस पर हम जब आएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे हमें शरीर को सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से और सूक्ष्म शरीर को आत्मा से कैसे अलग करते हुए जीवन जीना है। इसे कहते हैं योग कर्म सुकौशलम, आर्ट ऑफ लिविंग, भगवान गीता के अनुसार। अब देखिए, जब किसी व्यक्ति को ये जो नियंत्रण करने के प्रकार हैं या जो आगे चलकर हम सुनेंगे, जब वो नहीं पता होते तो भौतिक स्तर पर आजकल क्या विकल्प है इस मन को नियंत्रण करने के लिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे कि आजकल भौतिक स्तर पर इस मन को नियंत्रण करने के लिए लोग कौन कौन से चित्र विचित्र वो खोज के निकाल रहे हैं। कई डिवोटीज का सजेशन है हमको भी यहाँ पे इस्कॉन में एक बड़ा कैफे खोलना चाहिए, तो हमने कहा ये गीतामृत वही है, परंतु यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से, ये जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे तुरंत महाभारत की वो कथा याद आई, वो घटना जब धृतराष्ट्र के सामने भीम के लोहे का पुतला भगवान ने सामने रखा और धृतराष्ट्र इतने वर्षों से जो भड़ास धृतराष्ट्र के अंदर भीम के प्रति थी, तो ओरिजिनल भड़ास कैफे भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सामने खोला था, इसलिए वो है OMG। अब देखिए, वो ये सारे जो तरीके हैं ये कृत्रिम तरीके बताए गए हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने, ठीक है, कुछ समय के लिए, तात्कालिक कुछ समय के लिए आपने आपकी बढ़ास उतार दी, परंतु वो, उसको यतचित्तात्मा नहीं कहा जाएगा। इसलिए यतचित्तात्मा का अर्थ हमारे आचार्य बताते हैं जहां पर न केवल स्थिरता हो, जिसकी हमने चर्चा की, बल्कि उसके साथ साथ शुद्धता। ये क्यों दोनों जरूरी है, स्थिरता और शुद्धता, ये दोनों, शुद्धता विशेष रूप से क्यों जरूरी है कि उदाहरण दिया गया है एक बगुले का, बक, संस्कृत में उसको कहते हैं बक, तो बक ध्यान आपने सुना होगा, बगुले को आपने देखा होगा कि एकदम श्वेत वर्ण का, ऐसे उसका जो वर्ण है निष्कलंक उसका वर्ण दिखता है बगुले का, और आप देखो कहीं सरोवर में, तालाब में वो एक पैर पर टकटकी लगाए हुए ध्यान में, उसको कहते हैं बक ध्यान, और घंटों तक वो उस वृक्षासन में एक पैर पर, एक पैर क्यों, ताकि कहीं पर भी जल में कोई हलचल ना हो, लेकिन ध्यान किस पर लगाए हुए, जो मछली, और फिर अगर आप ध्यान से उसके ध्यान को देखोगे तो जैसे ही कोई मछली वहां पर तैरती हुई, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि इतना लकड़ी की तरह स्थिर खड़ा हुआ कौन है,
तो सफेद सफेद उसकी परछाई देखते हुए मछली, वो जिज्ञासु मछली वहां पर आती है और फिर अपने चोंच से वो उस मछली को लिया, निगल लिया, गपागप। इसको कहते हैं बगुला भगत। ये जो टर्म है ना बगुला भगत, ये यहां से आया कि भगत दिख रहा है वो बगुला, ध्यान में लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि कौन बहुत बड़ा कोई योगी है, समाधि में है, परंतु एंड रिजल्ट क्या है। उसी प्रकार से गिद्ध, गिद्ध का उदाहरण दिया गया है कि गिद्ध जो है इतनी ऊंची उड़ान भरता है, इतनी ऊंची उड़ान भरता है, कई बार ये गिद्ध 800 मील ऊपर आकाश में उड़ते हुए दिखते हैं, आप देख भी नहीं पाओगे परंतु होंगे वो उड़ते हुए। वहां से उनकी नजर, और ऐसा उनकी तीक्ष्ण नजर होती है, लेकिन देखते कहां पर है, कहां कोई मृत शरीर किसी का गिरा हुआ है और वो भी सड़ा हुआ, वो उनको देख के वहां से। तो इसको कहते हैं कि जैसे हाई लिविंग बट लो थिंकिंग, उड़ान इतनी ऊंची है लेकिन थिंकिंग और विजन कहां पर है। तो इसलिए यहां जब यतचित्तात्मा की व्याख्या आचार्य दे रहे हैं, भगवान ने जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका अर्थ है जहां स्थिरता हो और उसके साथ शुद्धिकरण हो। केवल हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए आपको बहुत से नुस्खे भौतिक स्तर पर मिल जाएंगे, बहुत से आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगे और त्राटक ये वो तरीके भी लोग बता देंगे, परंतु शुद्धिकरण उसके अंदर नहीं आपको प्राप्त होगा। जैसे कि ये भड़ास कैफे, हो सकता है इसके अंदर कोई ये थेरेपी जो है किसी के ऊपर काम करे कि दूसरे को मारने के बजाय चलो इसको मार दिया जाए ना, वो जैसे वो पत्नी हर समय अपनी भड़ास उतारने के लिए वो टॉयलेट में जाकर टॉयलेट साफ किया करती, तो पति पूछा क्या करती, तो हर समय भड़ास उतारने के लिए टॉयलेट क्यों साफ करे, अच्छी बात है टॉयलेट साफ हो रहा है। बाद में उसे पता चला उसी के टूथब्रश से करती थी, तो उसमें शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। इसलिए शुद्धिकरण के लिए, स्थिरता के साथ शुद्धता के लिए ये सारे जो नुस्खे बताए गए, क्योंकि देखो आजकल डिस्ट्रैक्शन के लिए कितने अलग अलग तरीके हैं। कोई व्यक्ति को विक्षेपित करने के लिए, अस्थिर करने के लिए कितने लोगों ने नुस्खे निकाल रखे हैं। केवल अगर कोई कहे कि एक जमाना था टेलीविजन और टेलीविजन के चैनल, नहीं अभी तो वो तो पुराना हो गया, ओल्ड स्कूल है टेलीविजन, अभी तो अनगिनत लिस्ट पे लिस्ट कि आपको आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो मैं उसको कंपेयर कर रहा था। तो देखो ये सारी जो लिस्ट है, कृष्ण चिंतन वंदन पूजन अध्ययन श्रवण कीर्तन सेवा, भगवान भी अलग अलग, जैसे फेसबुक है ट्विटर है ये है वो है व्हाट्सएप है, तो भगवान ने भी भाई तुमको ये पसंद नहीं तो ये करो, चिंतन पसंद नहीं तो सेवा करो, सेवा पसंद नहीं बैठ के अध्ययन करो, अध्ययन पसंद नहीं खाओ, कुछ भी पसंद नहीं बैठ के खाओ। तो इसलिए हमारे जैसे एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, अमेरिकन किड्स और अफ्रीकन किड्स, इन दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया कि इनको एक दिन अलग अलग कमरों में छोड़ा गया कुछ चीजों के साथ, और दोनों कमरों में कोई गैजेट्स नहीं था, वाईफाई नहीं था, तो जो अमेरिकन किड्स थे वो उनके अंदर ऐसी हलचल हुई एक घंटे में बिना गैजेट बिना वाईफाई के, और जो भी वहां पर कुछ खिलौने थे या अलग अलग प्रकार की चीजें रखी हुई थी वो एक दूसरे को मार मार कर अपनी भड़ास उतारने लगे। परंतु वो जो अफ्रीकन किड्स थे जिनको अपना जीवन उन्होंने उस गैजेट्स और वाईफाई के ऊपर निर्भर ही नहीं रखा था, तो उन्होंने जो भी कुछ उस रूम के अंदर पाया उसका इस्तेमाल करते हुए वो दिन भर अपने आप को एंगेज रखे, वो बच्चे इसका कुछ बना के उसका खिलौना बना लिया, खेलने लगे आपस में एक दूसरे के साथ। तो इसे क्या समझ में आ रहा है कि
भगवान ने भी जो इतनी वैरायटी फुल ये भक्ति का मार्ग हमें दिया है, ये इसलिए दिया है कि चाहे हम किसी भी स्तर के अस्थिर व्यक्ति हो, हम भगवान के भक्ति के उस अंग से जुड़कर अपने आप को यत चित्तात्मा बना ले। जैसे कि यहां पर मच्चित्त आत्मा, जो कि नेक्स्ट स्टेप है यत चित्तात्मा का, जिसका चित्त श्री कृष्ण में लगा हुआ है। अब इसके पश्चात भगवान ने जो दो शब्द जिस पर हमें गौर करना है इस्तेमाल किए हैं, त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने अपनी संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है। देखिए, अगर आप शब्दों पर गौर करोगे तो संपत्ति का त्याग करने के लिए भगवान नहीं कह रहे हैं, आप घबराइए मत। हाँ, संपत्ति का परित्याग करने के लिए भगवान नहीं कह रहे हैं, जिसने अपनी संपत्ति के स्वामित्व, वो जो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोप्राइटरशिप, वो जो मेंटालिटी है, ओनरशिप की जो मेंटालिटी है, उसका परित्याग करने के लिए त्यक्त सर्व परिग्रह। तो यदि हम केवल परिग्रह शब्द को लें तो परी, परी यहां पर वो वाली परी नहीं, तो पराई संपत्ति, परियां भी पराई संपत्ति होती, तो पराई संपत्ति को ग्रहण करना, तो परिग्रह का अर्थ यहां पर ये निकलता है। राम नाम जपना पराया माल अपना, इसको बोलते हैं परिग्रह। तो श्रील प्रभुपाद के पास एक शख्स आए और वो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। तो प्रभुपाद ने पूछा, क्या है आपका बिजनेस, क्या है? तो उन्होंने कहा, ग्लास फैक्ट्री है मेरा। तो ग्लास फैक्ट्री, तो प्रभुपाद पूछे, हाउ इज ग्लास मैन्युफैक्चर्ड, कैसे बनता है ये कांच, कैसे बनता है? तो उन्होंने कहा, रेती, पानी और उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उससे कांच बनता है, ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो प्रभुपाद ने पूछा, वो रेती कहां से लाते हो और वो पानी कहां से लाते हो? तो उन्होंने कहा, कहां से लाते हैं, प्राकृतिक चीजें हैं ये। तो प्रभुपाद बोले, देन यू आर अ थीफ, देन यू आर अ थीफ, क्योंकि वो जो उसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, वो बेसिक इंग्रेडिएंट, जैसे मेरे खुद के ताऊ जी, मुझे बहुत सालों बाद वो यहां नासिक में, अचानक मैंने उनको मेरे एक लेक्चर में बैठा हुआ देखा, तो दूर से वो भागवत सप्ताह, इंद्रप्रस्थ में एक बार भागवत सप्ताह अपना हो रहा था, तो वहां पर वो बैठे हुए हैं, सामने 3,000 लोग बैठे हुए हैं, मैंने देखा ये। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, शक्ल तो उनकी लग रही है लेकिन वो नासिक में और वो भी भागवत में कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं अलग तरीके से जानता था। फिर बाद में जब भेंट हुई, वार्तालाप हुआ उनके साथ, वो यहां पर ये जो विंसुरा वाइन्स है वहां के जनरल मैनेजर बने हुए। मैंने कहा, शर्मा जी, विंसुरा वाइन्स के जनरल मैनेजर? तो और फिर वो कहने लगे, तो मैंने पूछा, आप क्या करते हैं वहां पर? तो वो बोले, मैं सेमिनार्स देता हूं। किसके ऊपर? वाइन ड्रिंकिंग के ऊपर सेमिनार देते हैं। तो वो मुझे पूछे कि तुम क्या करते? मैं बोला, मैं डिवाइन के ऊपर देता हूं। तो मैंने उनको पूछा कि ये तो मुझे बुला रहे थे दिखाने के लिए कि वाइन कैसे बनती है। मैंने बोला, नहीं ठीक है, आप बता दीजिए।
तो यहाँ नासिक में हम सब जानते हैं सुला ये वो सब जा वहां पर क्या होता है, तो वो बता रहे हैं कि कैसे अंगूर और उसको कैसे सड़ा के ये वो रेड अंगूर से कैसे वो वाइन बनाते हैं। तो फिर मैंने पूछा तो ये मतलब इसमें तो जो खूबी है वो तो अंगूर की हुई ना, आपने तो उसको सड़ा दिया, भगवान ने तो उसको एकदम ताजा बनाया। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि चावल जिसको भगवान हमको ताजा बनाकर सूर्य के द्वारा पृथ्वी के द्वारा बनाकर उसको हम सड़ाकर फिर उसका जो भी देशी दारू बना लेते हैं कोई, तो कोई आलू को सड़ा के उसकी दारू बना लेता है, कोई इसको सड़ा के इसका वाइन बना लेता है, और फिर वो ऐसी ऐसी बोतलों में डालकर आलीशान उस दिखती है, ऐसी ऐसी अलग अलग वो शेप्स की रंग रूप की बोतलें होती हैं, और वो कौन से ग्लास में भी जिसकी एक टांग वाली ग्लास होती है उसके अंदर डाल के पीते हैं, और पीने से पहले फिर एक दूसरे के ग्लास को लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चीयर्स कि ले भाई फोड़ ले तू, तेरे भी कर्म मेरे भी कर्म, एक दूसरे को फोड़ते हुए पी उसको। तो मैंने पूछा कि ये जो भगवान प्राकृतिक रूप में दे रहे हैं, न केवल उसकी चोरी की हुई है बल्कि उसके पश्चात जो उसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है आजकल, तो देखो कि एक तो ठीक है कोई यदि किसी का माल लूटता है, माल लूटने के बाद यदि अगर वो रॉबिनहुड की तरह दूसरों की मदद करे वो अलग बात है, रॉबिनहुड ऐसा किया करता था, लेकिन यहां पर ये क्या हो रहा है, भगवान कह रहे हैं न केवल परिग्रह बल्कि सर्व परिग्रह, और उसके आगे का शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, त्यक्त, त्यक्त मतलब त्यागना, पराई संपत्ति को पूर्ण रूप से त्यागना। तो यदि हम अभी देखो हम लोग सब सामाजिक प्राणी हैं, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते अब हम सब लिखापढ़ी करते हैं, हर चीज की लिखापढ़ी होती है ना, कागजात होते हैं हर चीज के, प्रॉपर्टी के, आपके एजुकेशन के, आपके जन्म के, आपकी शादी के, आपके तलाक के, आपके मरने के, सबके कागजात होते, हर चीज लिखापढ़ी में होता, और उसमें क्या होता है साइन कर दिया, कितना महत्वपूर्ण है, साइन कर दिया मतलब यहां से वहां ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर हो गई, वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो गई, सब कागजात चल रहा है, सब कागज का खेल चल रहा है, बहुत सारे कागजों की गड्डी यहां से वहां गई, कागज पर साइन हुए, यहां से वहां कागज का फेरबदल हुआ, 7-12 का ये हुआ, हुआ क्या कि प्रॉपर्टी वहीं की वहीं है, उसको ऐसा नहीं कि उठा के यहां से यहां दे, प्रॉपर्टी वहीं की वहीं है, लेकिन अब ये इलाका हमारा, ये मकान हमारा, ये मकान तुम्हारा, ये जमीन तुम्हारी, ये, और फिर बाद में एक परिवार के अंदर वो भाइयों के अंदर वो बंटवारा जो होता है, फिर बंटवारे के अंदर इतनी जमीन उसकी, इतनी जमीन इसकी, उसके अंदर फिर देशों के अंदर इतनी सीमाएं बना ली हमने, ये सब क्या है, वास्तविक रूप में है क्या, जैसे हम उदाहरण देते हैं, हम लोग हैं किराएदार, बढ़ोतरी है, और किराएदार वो ओनरशिप दूसरों को कह रहा है कि ये मेरा मकान है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि एक घर में आपके किचन में जो चींटियां कॉकरोच छिपकली इत्यादि जो विहार कर रहे हैं रह रहे हैं, तो चींटियों ने अपना एक इलाका बना लिया किचन के अंदर कि ये हमारा इलाका है, और उन्होंने बाउंड्री बना ली, वो छोटा सा बिल बना लिया, और जो भी किचन के अंदर मीठी चीजें हैं ले लेके वहां पर गोदाम बना रहे हैं, अंदर उन्होंने गोदाम भी बना लिया, पूरा उनका साम्राज्य, चींटियों का साम्राज्य, कॉकरोच का साम्राज्य, छिपकली वो अपने कार्यों में लगी हुई, और सभी अपने अपने इलाके को क्या मान रहे हैं, ये
हमारा ग्रह। लेकिन है क्या जब हम देखते हैं उनको, यदि हमको उनका उनकी भाषा समझ में आए तो वो चींटियां जब देखती हैं कि वो गृहिणी आई हैं किचन के अंदर झाड़ू लेकर या बेगोन स्प्रे लेकर या हिट लेकर जो भी लेकर आई हैं, ये कौन राक्षसी है हमारे इलाके में आकर, तो उनको क्या लग रहा है। अब वो बात अलग है कि वो कॉकरोच को देख के रो डर जाती, कॉकरोच भी फूले नहीं समाया जाता उसको। तो ऐसे ही एक पति वो न्यूज़पेपर लेके कॉकरोच को मारने के लिए कॉकरोच के पीछे भाग रहा था, तो कॉकरोच पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है ये न्यूज़पेपर लेके मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। तो कॉकरोच भी मरते मरते बोल दिया, मैं जानता हूं तू क्यों मार रहा है मुझे, क्योंकि तेरी बीवी केवल मुझसे डरती है, जलन के कारण मार रहा है तू। तो ये एक अलग किस्सा है। इसलिए जब उसको पूछा गया कि अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहोगे, तो उसने भगवान से कहा कॉकरोच। क्यों भाई? क्योंकि वो खाली उससे डरती है। तो कॉकरोच हो चींटी हो, वो लोग ने क्या कर लिया है, उसे अपना परिग्रह बना लिया है। किसी पराये का है उसको अपना ग्रह बना लिया और उसका साथ बारह निकाल के, ये किचन का ये इलाका मेरा है, ये कॉकरोच वाला मेरा है। उसी प्रकार से जैसे हम उनके ऊपर हंसते हैं, क्या है चल रहा है कारस्तान, क्या बोलते हैं, क्या चल रहा है इनका कारस्तान, वैसे भगवान हमको देख के कि अरे ये एक एकड़ का प्लॉट मेरा, उसके ऊपर कोर्ट कचहरी में ये लोग घूम रहे हैं, या उसके ऊपर ये चल रहा है केस चल रहा है, और भगवान ऊपर हंस रहे हैं कि तुम आए थे नंग धड़ंग, एक कच्छा भी साथ में लाए नहीं, और यहां पर बोल रहे हो कि करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम्हारी है। तो वो भी ऊपर से वैसे ही हंस रहे हैं जैसे हम वो चींटियों के ऊपर कॉकरोच के ऊपर हंसते हैं। तो यहां पर त्यक्त सर्व परिग्रह के दो अर्थ हमारे आचार्य बताते हैं, अपनी संपत्ति पर स्वामित्व का त्याग और पराई संपत्ति का पूर्ण रूप से त्याग। तो अब आप प्रश्न पूछोगे तो दोनों में क्या अंतर है। आप अभी अभी बोले कि हम सब किराएदार हैं, हम सब भाड़ोत्री हैं, तो अपनी संपत्ति और ये पराई संपत्ति, तो सब कुछ तो पराया, भगवान का अगर सब कुछ है तो सब कुछ तो पराया हो गया ना हमारे लिए। तो यहां बताया गया है कि जैसे हम इस शरीर को लेकर पैदा होते हैं, तो ये जो शरीर है इसको हम अपना मानते हैं, तो ये एक अपनी संपत्ति हुई। अब फिर उसके पश्चात पैदा होने के बाद ये शरीर से जो हम अलग अलग प्रकार के धन संपत्ति को जोड़ते हैं, वो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में पराई संपत्ति कहलाई जाएगी। तो भगवान दूसरे अध्याय में इस देह से ऊपर उठने के लिए बोले अर्जुन को, शरीर और आत्मा में अंतर क्या है और उससे ऊपर उठो। अर्थात भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को और हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि देहात्म बुद्धि से ऊपर उठो। ये जो अपनी खुद की संपत्ति मान रहे हो शरीर, क्योंकि चाहे व्यक्ति का सब कुछ लूट जाए परंतु वो अपने शरीर को संभाले रखता है, इस संपत्ति को कहीं नहीं जाने देता। कई बार तो पूरी संपत्ति जो अर्जित की है वो लुटा देता है ताकि ये संपत्ति बनाए रखे। इसलिए बोलते ना, अ मैन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड फर्स्ट ही गेन्स ऑल द वेल्थ एट द एक्सपेंस ऑफ हिज हेल्थ। गधा मजूरी करते हुए अपने स्वास्थ्य की से बेखबर अर्जित धन अर्जित धन अर्जित कर रहा है, एंड देन व्हेन हिज हेल्थ इज क्रम्बलिंग डाउन ही विल स्पेंड ऑल दैट एक्यूमुलेटेड वेल्थ टू गेन बैक द हेल्थ। तो अब प्रकृति क्या करती है कि ये शरीर जो है, इस शरीर को धीरे धीरे यदि हम
अपनी स्वेच्छा से इस संपत्ति का परित्याग नहीं करेंगे तो प्रकृति के नियम के अनुसार हमें परित्याग करना ही पड़ेगा जबरन। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्य अवश्यम शत संधि जर्जरम किमौषधिम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। तो इस सुंदर श्लोक में कहा गया है कि ये शरीर हमारा, जिसे हम हमारी पर्सनल संपत्ति मानते हैं, क्या हो रहा है? पतत्य अवश्यम, ये लुट रहा है शरीर। क्या व्याख्या है? शरीर सरक रहा है जो मृत्यु की ओर। तो ये लुट रहा है शरीर, इसमें जो संधियां हैं, शत संधि जर्जरम, सब जर्जर होते जा रहा है, जीर्ण होते जा रहा है। अर्थात एक एक कर जिसको हम अपनी संपत्ति मानते थे, क्या? जैसे कि जुल्फें, हमारे केस, उसको हम हमारी संपत्ति मानते थे, धीरे धीरे क्या हो रहा है? झड़ते जाते, सफेद होते जाते हैं, फिर झड़ते जाते हैं। हमारे दांत, हमारी त्वचा, हमारी आंखें, ये सारे जिसको हम हमारी संपत्ति मानते थे, है कि नहीं? हम सब अनुभव कर रहे हैं ना, धीरे धीरे ये एक एक कर दगा दे रहे हैं हम। जिनको इतना खिलाया, इतना पिलाया, इतना खर्चा किया इस गुर्दे के ऊपर, इस हृदय के ऊपर, और वही हृदय रोग में हमको दगा दे के चला जाता है। मुझे तूने इतना खिलाया, ले मैं बंद होके तुझे भी बंद कर। तो ये एक एक कर हो रहा क्या? भगवान ने बोल दिया कि स्वस्थ अवस्था में, इस चेतना में आ जाओ कि ये एक दिन जाने वाला है, इसलिए तुम इस संपत्ति को जो इसके मालिक है उसकी सेवा में लगाओ। और उसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। शारीरम केवलम कर्म, जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है वो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, और इस शरीर को वो केवल भगवान को प्रसन्नता देने के कर्मों में लगाता है। इसलिए यहां ये जो महत्वपूर्ण शब्द है, दो शब्द, त्यक्त सर्व परिग्रह, कि सबसे पहले ये समझ लेना कि हमारा शरीर और शरीर से संबंधित जितनी संपत्ति है वो सारी संपत्ति का परित्याग हमें करना है, सर्व परिग्रह त्यक्त, तब जाकर हम इस संसार, ये जो पाप रूपी संसार है, हमारे कर्म जो कि उसमें लिप्त रहते हैं, उनसे ऊंचा उठकर हम पूर्ण ज्ञान में स्थित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कुछ अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से है। सर्वप्रथम जो हमारा महोत्सव चले गौर पूर्णिमा से लेकर के रंगपंचमी तक, तो उसमें महाराज लोग भी यहाँ पे आए थे, उनके कई सारे शिष्य भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो नासिक और उस वहाँ पे रहने वाले भक्तों का सेवा भाव देख के सब लोग बहुत खुश हुए हैं, तो इसलिए हम सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे।